पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। बोले, समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ पहुंच गए। यहां पर दर्शन और पूजन करने के बाद पीएम मोदी ने आदि गुरुचार्य की प्रतिमा और समाधि का भी अनावरण किया। साल 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं मंडी धनोरा के गढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का लाइव कार्यक्रम देखा गया। शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गढ़ी मंदिर में लाइव देखा गया। चेयरमैन समेत अन्य लोगों ने जलाभिषेक किया। मंडी धनोरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका लाइव प्रसारण दिखाने के लिए नगर पालिका की ओर से नगर के गढ़ी मंदिर में स्क्रीन लगाई गई, जिसमें चेयरमैन समेत भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं व पालिका कर्मियों ने सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम में चेयरमैन राजेश सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। शिवालय में जलाभिषेक कर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया, ओमकार गर्ग, महेंद्र कुमार, कपिल अग्रवाल, कमल अग्रवाल, पवन अग्रवाल, वरिष्ठ लिपिक ओमेश सैनी, लेखाकार सोनू पवार, अवर अभियंता तेजपाल सिंह, कपिल ठाकुर, राजीव उपाध्याय, सौरभ सैनी आदि लोग मौजूद रहे। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है। तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है, और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अर्थात हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में
आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गया।